हेलो। आज मौसम तो एकदम शानदार है, तो दिवाली आने वाली है और इतना ब्यूटीफुल नेचर है ना कि पूछो मत। सो मैं आता हूँ काम की बात पे। मेरे पास एक स्विफ्ट आई है, इसको गियर डालने के बाद गियर तो गिरता नहीं हार्डली जल्दी, और गियर गिरता है अगर रनिंग होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस करता, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता, खड़खड़ खड़खड़। मैं गाड़ी का ट्रायल लेकर आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कैसा आवाज़ है, कैसा नहीं। जॉब हाउसफुल होने की वजह से मैंने मॉर्निंग में, मेरे पास 9 बजे गाड़ी आई थी तो मैंने बाहर लगाया हूँ गाड़ी। अभी जाके टाइम मिल रहा है तो उसको मैं चेक करता हूँ प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो मैं अभी रोड पर आ गए। मौसम देखो, मौसम ठीक भाई साहब। मेरे मैकेनिक को भी एक ट्रायल मार के देखना था कि आवाज़ कैसा है कैसा नहीं। तो अभी स्विफ्ट के पास आ गया हूँ मैं। ये गाड़ी ओपन किया मैंने, पहली बात तो देखो जिसका लीवर है, ये गियर कहीं का भी नहीं गिरता। एक टेक्नीशियन के पास उन्होंने दिखाया था तो उन्होंने बोला ये प्लास्टिक का जो है ना ये सब टूटा है। तो मैंने तो चेक किया, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ से प्रॉब्लम तो है नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मैंने चेकअप करने का। फिलहाल मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, ये किया मैंने गाड़ी चालू, अब इसको मैं रिवर्स लेके मैं आपको गाड़ी रनिंग करके दिखाता हूँ मैं। तो रिवर्स तो मैंने ले लिया, कैसे कैसे तो बड़ी मशक्कत से रिवर्स गिरा, आपको अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं हो गया ये फर्स्ट पे, कैसे कैसे तो फर्स्ट पे गई। आवाज़ दिखना, सिर्फ आवाज़ सुनना आप। ये गाड़ी जैसे मैं फर्स्ट पे लूँगा, देखिए अटक गई, क्लच छोड़ दिया, आवाज़ सुनो, गियर जो है अटक जाता है अभी जैसा। फिर मैंने फर्स्ट पे लिया, गाड़ी आगे जाएगा, देखो तुरंत गियर जो है स्लिप हो जाता है। ओके फिर से मैं ट्राई कर रहा था आपको, ये गाड़ी ऐसे ऐसे आगे जा रही है, ऐसा प्रॉब्लम। तो मैंने एक नोटिस किया, इसका सेकेंड गियर पर अगर मैं थोड़ा करूँगा तो सेकेंड गियर में कम प्रॉब्लम आता है। देखिए सेकेंड गियर पे लिया, आवाज़ तो है लेकिन तकलीफ हो जाती है। रिवर्स मार के देखिए, फिर से एक बार दिखाता हूँ। फर्स्ट पे डाला मैंने, गियर दिखाता सिर्फ, जैसे मैं आगे लूँगा भाई हम साहब हमसे तो बोल ही रहे पहले गियर पे डालना, तो दूसरे गियर पे चुपचाप निकल रहे हम लोग। आपको समझ गया रहेगा प्रॉब्लम। भाई रात हो चुकी है लेकिन काम रुकेगा नहीं, तो अभी खोलना चालू किया है हमारे मालिक ने। चलो खोलिए फटाफट। तो गियर बॉक्स ओपनिंग हो रहा है, तो मैं अभी जो गियर ऑयल खोला हूँ, ये गियर ऑयल का नट है। तो अब इसमें मेटल देखिए, ये कितना मेटल है। तो अंदर जो कोई चीज़ है ना वो डैमेज हुआ है। तो मैं गियर बॉक्स इसका जो है डिसेंबल करूँगा, मतलब जो ओपनिंग करूँगा और ओपन करने के बाद पूरा उसको एकदम बारीकी से ओपन करके देखूँगा मैं। गियर ऑयल देखो खुला है, इसमें पूरा मेटल है। अभी खोलता हूँ मैं, आपको फिर देता हूँ अपडेट क्या है क्या नहीं। ये देखिए गियर बॉक्स हो गया ओपन, और इसका जो बेयरिंग है, ये बेयरिंग देखो, आवाज़ देखो, ये बेयरिंग गया हुआ है। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, मेन जो प्रॉब्लम है जो गियर नहीं गिरता है ये इसका है, ये टूट चुका है। ये प्रॉब्लम कस्टमर को पहले आ चुकी थी, टूटने वजह से भी गाड़ी कस्टमर ने बहुत बार चलाया, इसकी वजह से इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गया। अब मैं इसको ओपनिंग करूँगा पूरा एकदम एकदम एक एक पुर्जा इसका ओपन करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा फॉल्ट कहाँ पर, जहाँ से आवाज़ आ रहा था। ऊपर का जो गियर का चैम्बर खोला हूँ मैं, इसमें देखो दिख रहा मेटल कितना खुलने से पहले ही सब मटेरियल गिर रहा है इसका। क्या क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा खोलने से पहले देखिए का ये और खुलने के बाद मालूम पड़ेगा। तो अब ये जो खुलने के बाद इसका कहानी देखो, ये सब पूरा दिख रहा है, चांदी निकल रही है। तो प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ से कि ये चेंजर टूटने की वजह से जो ज़बरदस्ती गियर डालते थे ना, तो गियर डालने की वजह से जो शिफ्टर है, एक शिफ्टर है, ये शिफ्टर टूट चुका है ज़बरदस्ती, दिख रहा है। ये शिफ्टर टूटने की वजह से क्या हुआ, जो भी इसका मेटल था, जो भी चीज़ था, ये सब पे लगते गया, सब के अंदर जाते गया और सब बेयरिंग वगैरह में आवाज़ आ गई। अब चेक करेंगे खोल खोल के कि क्या क्या चीज़ और डैमेज हुआ है। ये देखिए सब बेयरिंग का ये पार्ट, ये सब पार्ट इसका टूटा हुआ दिखा, ये गाड़ी निकालो देखो, ये पार्ट है जो जबरदस्ती गियर डालने पे टूटा है।
इसलिए बोलते कोई चीज़ प्रॉब्लम आई तो दिखाया करेगी। ये देखो पार्ट, ये चीज़ का पार्ट का जो है सब जगह सुनामी ला दिया इसने गियरबॉक्स के अंदर। खुलने के बाद चेक कर रहा हूँ, अब इसका मेटल देखो, ये सब मेटल देखो। तो मेन जो फॉल्ट है चेंजर की वजह से, गबस्ती गियर डाला और चेंजर का स्क्रू टूट गया। ये देखो ये सब पार्ट देखो, इसका जो बेयरिंग चला गया, देखिए ये सब बेयरिंग। तो सर दिखाता हूँ मैं, थोड़ा पीछे ले, पीछे ले। इसका टूट गया जबरदस्ती, और इसका बेयरिंग किधर गया? ये बेयरिंग जो इसमें बैठता है, बेयरिंग सब टूट गया। इसका जगह दाँता वगैरह सब ये टूट चुका है, सब बेयरिंग अच्छे दाँता भी टूट गया। देखो ये दाँता है सब टूट गया, और ये बेयरिंग टूटने वजह से थोड़ा नीचे बैठ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पूरा मार्किंग आ गया। चलो तो भाई साहब, आज स्विफ्ट पेट्रोल का जो गियर बॉक्स है वो करने जा रहा हूँ असेंबल। जो ये टूट गया था उसका मैंने फॉक मंगा लिया है, ये भी पूरा सेट मंगा लिया मैंने। तो अभी सब चीज़ हो गया है, सब चीज़ रेडी है, अब सिर्फ करना है इसको असेंबल करके फिट करना है। करोना क्या होता है, अंदर बाहर सब फटाफट। ये डिफरेंसर पहले डालता हूँ मैं, डिफरेंसर इधर पे फिटिंग चेक कर लो, ऐसा स्मूथ होना चाहिए भाई साहब। लाओ सब, अभी सब आ गया भाई, प्रेग्नेंट है इसको तो प्यार से लगाया जाएगा। ये चीज़ हो गई फिटिंग, इसको कर दिया मैंने गियर को जो है ना फिटिंग। अब इसके ऊपर का जो ये आएगा कवर और करके मैं फिटिंग, उसके बाद लेंगे गाड़ी एकदम कंप्लीट करने को। देखो ये कुछ ऐसा होता है भाई, जिसको नहीं समझेगा उसके लिए तो सर चकराने लगेगा, लेकिन जिसको समझता है उसके लिए तो एक खेल ही है समझ लो। पहले ध्यान दिया था अभी, ये जो चीज ने ना अच्छा बताया दिया, कपड़ा रखेगा ये जो चीज़ है ना, दिखता स्ट्रॉन्ग है, चांदी जैसा है, वो तार से तो रखना पड़ता है, इस पर हल्का भी रहेगा ना निशान आ जाता है। देखो देखिए देखो, ये लड़की तो है, लामी पुट्टी कर दी तो ठीक हो जाएगा, इसको बड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये जो होल, ये दिखाता होल, ये देखो होल है, ये बराबर होल पे आया, समझे भाई, सेंटर मैच करने आता है भाई। तो गियर बॉक्स डन हो गया, रात के करीब 12:30 बज गए, तो आज पैकअप वगैरह करके सब घर पर ही जा रहे। देखो सब पैकअप वगैरह हो गया, ये हो गया डन, सुबह चढ़ाएंगे इसको। फिर टाइम है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, सुबह सुबह आते ही मैंने जो गियर बॉक्स है ना स्विफ्ट का, ये फिटिंग कर दिया है। स्विफ्ट का फिटिंग, अभी धूप निकल चुकी है तो फिटिंग कर रहा हूँ मैं, फिटिंग करके ट्रायल लेंगे भाई। वो कौन है, हाई गर्मी वाली है, उसको इतना गर्मी नहीं आ रहा, जहाँ यहाँ गर्मी तो ठीक है, पसीने देखो कितने आ रहे, एक दो गिलास तो यूँ भर जाएंगे काम करते करते। गर्मी देखो यार, सर का पसीना गांड तक पहुंच जा रहा है यार, इतना दूरी तय कर ले रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये धीरे 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 बोल के भी दिखा दो। तो गाड़ी डन हुआ, मैं आपको चेक कराता हूँ, ये गाड़ी फाइनल हुआ। धूप इतना था कि भाई वीडियो निकालने का मन ही नहीं करता, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो गियर है। अब गियर देखो टाइट एकदम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स सब ओके ओके। हम एक रनिंग करके देखते दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी क्या चालू मैंने ओके। अब मैं दिखाता आपको गियर गिरता है कि नहीं रनिंग में, सबको हाथ नहीं लगाएगा। पहला स्टेज जो रिवर्स का था, रिवर्स वाला भी सक्सेस हुआ, रिवर्स गियर गिर है ओके। अभी मैं ट्रायल लेता हूँ एक, अभी फर्स्ट भी गिर गया,
कितना मक्खन गिरा गिरा अभी देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये ब्रेक मारा मैंने, ब्रेक मारी गाड़ी स्टॉप हुआ, फिर गियर गिरने में कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं पांचवे गियर तक आपको दिखा देता हूँ, ये सेकेंड हो गया कि यहाँ पे पांचवे गियर तक भगा पाएंगे कि नहीं, लेकिन राइडर है हम भाई, भगाएंगे। कान में कॉर्ड डाल के भोंसड़ी वाले लोग, एक गिरा सेकंड गियर, एक गिरा थर्ड गियर, ओके, एक गिरा फोर्थ गियर, एक गिरा फिफ्थ गियर, तो ऑल गियर सब ओके। सो वीडियो करते हैं यहाँ पे पॉज, देखा? तो इसका प्रॉब्लम जो था चेंजर का था, चेंजर का प्रॉब्लम होने से गियर नहीं गिरा, लेकिन कस्टमर जो थे वो थी जाने दे, पैसे बचा रहे थे, उन्होंने ले धक्का मार मार के गियर गिरा, और ऐसा मारे आखिर में उनकी गियर की पूरी लग चुकी। फाइनल पूरा जो गियर डिसेंबल करके सब नया पार्ट डाल के मारते हुए जेनून असेंबल करके गाड़ी ट्रायल लेके मेरी गाड़ी हुआ सक्सेस। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अब जो भी प्रॉब्लम आता है एक बार दिखाओ यार, टेक्नीशियन को दिखाओ यार, हर कोई टेक्नीशियन लूटने वाला नहीं होता, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं। हंसने आ रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।